एक्सरसाइज नंबर 57 100 डेज ऑफ चैलेंज में काफी मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। बहुत जबरदस्त वक्त चल रहा है हमारे पास, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। इसमें हम एक नई चीज देखने सीखने वाले हैं जो कि हमने टाइपस्क्रिप्ट बिगनर में भी नहीं सीखने वाले ना मैं सिखाने वाला, यहाँ पे हम सीख लेंगे। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। जैसे कि हमने पहले भी बहुत से ऐसे काम किए जो टाइपस्क्रिप्ट बिगनर में नहीं किए लेकिन यहाँ पे किए ताकि आपको प्रैक्टिस हो गई और वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। ठीक है, 100 डेज ऑफ चैलेंज का फायदा यही है, आपको बहुत सी चीज़ें जो नहीं सीखने को मिल रही वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट बिगनर में या क्लास में आपको ऑफिशियल, तो यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगी 100 डेज ऑफ चैलेंज में। चैलेंज ही इस तरीके का है, कैलकुलेट एवरेज परसेंटेज, कैलकुलेट करवानी है मुझे एवरेज परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ एरो फंक्शन, बट इसमें एवरेज नहीं किया। ठीक है, ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करवानी है फंक्शन, ये अच्छा लाइन थोड़ी सी मिस्टेक है, ये फाइंड द एवरेज ग्रेड, गिवन अ लिस्ट ऑफ ग्रेड्स कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड, मुझे एवरेज करवाने हैं ग्रेड का, ग्रेड जो भी होगा उसका एवरेज निकालना है। तो जब बात कर दी गई है ग्रेड की तो क्यों ना हम काम को आसान बनाएं और ग्रेड के नाम से ही एक वेरिएबल बना लें, लेट ग्रेड, और ग्रेड को मैं कह दूं भाई क्या ग्रेड है यार, पढ़ने वाले बच्चे हैं या नहीं, कितने नंबर दिया जाए, वैसे कितने नंबर देने चाहिए थे कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इस स्टूडेंट को 67 और 76 और 56 थोड़े कम नंबर भी देते। तो एक बंदा, एक स्टूडेंट है जिसके 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट में उसके 6 ये नंबर आए। ठीक है, तो हमने एक एरे बना दिया। अब लेकिन हमारा काम जो था एरे बनाना नहीं था, हमारा काम ग्रेड निकालना था, लेकिन एरे की मदद से काम करना है हमारे पास। तो ग्रेड किस तरीके से निकलेगा, एवरेज ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड निकालने का तरीका ये है, एवरेज यानी कि निकालना है हमारे पास। तो लेट एवरेज, और मैं आगे बोल दूंगा ग्रेड इज इक्वल टू एवरेज, जब भी एवरेज ग्रेड की बात की जाए यानी एवरेज निकालने की बात की जाए तो आपके जहन में आना चाहिए डॉट रिड्यूस, डॉट रिड्यूस। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, यहां पे लिख देंगे हम ग्रेड्स डॉट, मैंने क्या बोला था, क्या जहन में आनी चाहिए बात, डॉट रिड्यूस। जैसे कि हमने लास्ट टाइम डॉट मैप किया, डॉट फिल्टर किया एरेज का, इसी तरीके से एरेज की एक टाइप है डॉट रिड्यूस, जो कि एवरेज निकालने के लिए की जाती है, जो भी ग्रेड का एवरेज है, डॉट रिड्यूस। और इसके अंदर हम बोल देंगे टोटल कॉमा ग्रेड, दो चीजें हम रख देंगे, टोटल कॉमा ग्रेड। फिर मैं एक एरो बना के बता दूंगा कि मेरे एरो को मैं कह दूंगा कि टोटल प्लस करवा दो, टोटल में प्लस करवा दो ग्रेड को, टोटल में प्लस करवा दो किसको, ग्रेड को। अच्छा, यहाँ पे मैं एस कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये एरो खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड से तो यहाँ पे भी मैं ग्रेड्स लूंगा, ये जब ये एरो ये दे रहा था कि टोटल में प्लस करवा दो ग्रेड को कॉमा, और फिर जो भी होगा वो इनिशियली जो है हम जीरो से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, फिर स्लैश से मैंने बोला कि भाई यानी कि ड्रेड डिवाइड बाय करवाएंगे, डिवाइड करवा दो किसको, ये एक फॉर्मूला लगाया असल में, ये जो है एक फॉर्मूला है डॉट लेंथ, डॉट लेंथ। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई बात। अच्छा, ये सेमी कॉलन 12 की लगा देते। तो कंसोल डॉट लॉग से हमने बोला कि अब आप इसको प्रिंट करवा दो, यानी कि जो मेरा मेन ऑपरेशन है वो अब ग्रेड्स में नहीं है, मेरा मेन ऑपरेशन एवरेज ग्रेड के अंदर है, तो मैं एवरेज ग्रेड लिखूंगा यहाँ पे। तो कंसोल डॉट लॉग आया एवरेज ग्रेड पे, एवरेज ग्रेड चला, उसने बोला ग्रेड्स डॉट रिड्यूस, याद होगा जैसे जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर कराते हैं यहाँ पे वो लफ्ज़ आता है पहला, मैं आपको दिखा भी देखता हूँ पहला लफ्ज़ आता है किस तरीके से, याद हो डॉट मैप हो डॉट फिल्टर हो सब में ये पहला लफ्ज आया था। अब ये देखिए, जैसे कि ये बात करूं मैं डबल नंबर की, तो मैंने पहले नंबर के नाम से एरेज बना लिया, फिर जब मुझे यहाँ पे रिकॉल करना था तो मैंने बताया नंबर्स डॉट मैप। ठीक है, नंबर्स डॉट मैप मेरे वो कंडीशन थी क्योंकि वो होता, फिर उसके अंदर मैंने नंबर को दोबारा से रिकॉल कराया, फिर एरो फंक्शन, और फिर जो हमारी कंडीशन है सेम प्रोसीजर हमारे पास एरो में हुआ। मैंने मिक्स एरे के नाम से बनाया था तो मैंने यहाँ पे रिकॉल मिक्स एरे किया, उसके साथ डॉट फिल्टर लगाया, और फिर जो मेरी कंडीशन थी
सेम कहानी यहाँ पे भी होने वाली है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, ग्रेट क्योंकि मेरी सारी कंडीशन ग्रेट के अंदर स्टोरेज जो एरे बना हुआ है, ग्रेट्स के साथ मैं डॉट रिड्यूस क्योंकि एवरेज ग्रेट है, और दो चीज़ें मौजूद है इसके अंदर, टोटल और ग्रेट। और एरे फंक्शन के साथ ये एक फॉर्मूला लगा हुआ है कि टोटल के अंदर टोटल करा दो, इसको टोटल करा दो प्लस जो भी ग्रेट है कॉमा ज़ीरो, ग्रेट्स की जो है पूरी डॉट लेंथ तक जाओ। ग्रेट्स यानी ये ग्रेट्स की जितनी भी लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ को जो है पूरे उससे डिवाइड करवा दो, तो ये पूरे उससे जो है डिवाइड करवा देगा। तो इसको एक बार रन करवा के भी दिखा देता हूँ। ओ सॉरी, मेरा पेस्ट जो है मैंने डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, मैंने पेस्ट जो है मैसेज किया हुआ था। तो हम इसको एक बार उठा के ले लेते हैं, ये मेरा वर्ड था और कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट करा दिया। तो इसने एवरेज निकाल के दे दिया, पांच सब्जेक्ट में हमारा ये था और एवरेज ग्रेड जो है हमारा 364 आ रहा है हमारे पास एवरेज। अच्छा, एक मिस्टेक हुई है, जब इसने एवरेज ग्रेड नहीं निकाला, इसने सिर्फ प्लस करवा दी, जबकि एवरेज निकालना चाहिए था। तो ये जो एरर है, एरर स्कैनिंग कर लेते, काम ने कोड में एरर स्कैन किया। तो यहाँ पे जो मेरा ब्रैकेट जो था, मैंने इसको यहाँ पे क्लोज जो है यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मुझे क्लोज करना चाहिए था ज़ीरो के ऊपर इस वाली कंडीशन पे, ये जब क्लोज होगा तो ताकि ये ग्रेड्स की डॉट की लाइन को डिवाइड करवा सके। ठीक है, सिर्फ इसने प्लस करवा दिया क्योंकि मैंने जो प्लस की कंडीशन लिखी हुई इसके अंदर। अब जो है इसने क्या करेगा, पहले टोटल करवा देगा, प्लस करवा देगा और फिर जो है एवरेज ग्रेड से डिवाइड करवा देगा, तो ये एवरेज निकल आएगा। चेक भी कर लेते एक बार दोबारा से रन करवा के, क्या ये अपर कर रहा है नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं आप 72.8, आप कैलकुलेटर से भी पांचों नंबर को सम करवाए और डिवाइड करवा दें, क्या वाकई में 72.8 आ रहा है। तो अब हमारे पास ये फंक्शनल है, बिल्कुल वर्क कर रहा है, मैं करवा के चेक कर चुका हूँ। तो ये कोड हमारे पास वर्क कर रहा है। एवरेज ग्रेड निकालने का तरीका भी आप सीख चुके हैं, मुबारक हो। यानी कि तीन चीज़ें हमने एक्सरसाइज के अंदर सीख ली है, डॉट मैप, डॉट फिल्टर और डॉट रिड्यूस। कौन सी चीज़ें कब यूज़ कर सकते हैं, ये सवाल आ सकते हैं आपके पास जब 15 वीक में आपका MCQs टेस्ट होगा, तो उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है या ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए भी लाजमी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।